हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। सो जो हमारी 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है गाइस, उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेरा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट टू। इससे पहले मैंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट वन कराया, जिसमें मैंने आपको तीन तरह के मॉडल कराए थे। कौन कौन से थे? लीनियर मॉडल कराया था, ट्रांजेक्शनल मॉडल कराया था और इंटरेक्शनल मॉडल कराया था। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस ज़रूर देखिएगा। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी शायद बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैं चार बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स को जो है अच्छी तरह से डिफाइन करने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पर कोशिश की है गाइस, मेरी अगर इस सीरीज़ को आप देखेंगे तो इस जो मेरी वीडियो है, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने स्लाइड्स डाली नहीं है। कहने का मतलब कंटेंट नहीं डाला है मैंने यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स को एक पिक्चराइज फॉर्म में रखा है, ताकि आपको प्रेजेंट विजुअल प्रेजेंटेशन से, ताकि आपको समझ में आए। हर एक मॉडल आपको अगर विजुअली दिखाई देगा तो आपके दिमाग में वो रिटेन रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाने की। आइए बात करते हैं, आज के टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है गाइस, वो है मेरा बर्लो SMCR मॉडल। आपको पता होगा मैंने बताया था आपको कि ये जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो मेरा है लीनियर मॉडल के जितने भी टाइप्स हैं, आज उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्लो के मॉडल की। बर्लो ने गाइज दिया था आपका SMCR मॉडल, इसको क्या बोलते हैं गाइज। अगर हो सके तो मेरे साथ साथ एक नोट्स प्रिपेयरिंग कर लीजिएगा, वन लाइनर बना लीजिएगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो बर्लो का जो ये मॉडल था, ये हमारे दिए थे डेविड बर्लो ने 1960 में। इसको हम बोलते हैं SMCR मॉडल। SMCR मतलब कि सेंडर, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ये जो मॉडल है गाइज, ये आपके अगर मैं बात करूँ कि दो एलिमेंट पर बहुत फोकस करता है गाइज। आपने बहुत ज़्यादा नॉर्मली वे में भी देखा होगा, कई बार क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन करने से पहले ही ना सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, क्या कहेगा, या फिर मान लीजिए मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ और मैं पहले से पहले ही अज्यूम कर लेती हूँ कि सामने वाले पर्सन का जवाब क्या होगा और वो बदले मुझे क्या फीडबैक देने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम एनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग और डिकोडिंग को क्या कर लेते हैं, हम पहले से पहले ही सेंडर के मैसेज को सेंड करने से पहले ही क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मॉडल दो बातों पर जोर देता है, वो कौन कौन सी हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग। अगर हम बात करें गाइस इस मॉडल की, तो ये मॉडल हमारा बात करता है किसके बारे में, चार कंपोनेंट हैं इस मॉडल के अंदर। एक है आपका सोर्स, एक है आपका मैसेज, एक है आपका चैनल, एक है आपका रिसीवर। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करती हूँ आपके सोर्स के सारे जो कंपोनेंट हैं इनको डिफाइन करती हूँ। सबसे पहला है गाइस सोर्स के अंदर कि सबसे पहला आपका सेंडर। हमें पता है सेंडर कौन होता है, सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। अब जो ये सेंडर है गाइस, डेफिनेटली इसके अंदर एक सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, कि जो मैसेज ये भेजेगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। मैं अगर आप तक किसी मैसेज को भेज रही हूँ तो डेफिनेटली आप ये देखोगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, मेरा वे क्या है किसी भी मैसेज को भेजने का। सेकंड, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है गाइस व्यू पॉइंट, मेरा नजरिया क्या है। तो हमारा नज़रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैसेज को जब हम भेजते हैं। थर्ड है मेरा नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है गाइस, कि मेरी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नॉलेज। अगर मैं बर्लो SMCR मॉडल आप तक पहुंचा रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट मैटर की, मुझे कम्युनिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तभी ये मैसेज इफेक्टिव होगा मेरा। सोशल सिस्टम का मतलब क्या है गाइस, कि मेरा बिलीफ, मेरा रिलीजन, मेरी वैल्यूज़, वो मेरा जो मेरे सराउंडिंग है, डेफिनेटली मेरी सोसाइटी, वो इफेक्ट डालेगी मेरे कम्युनिकेशन पर। उसके बाद है कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है गाइस, जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, मेरी वैल्यूज़, मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरे कस्टम्स, मेरे नॉर्म्स, वो इफेक्ट करेंगे मेरे कम्युनिकेशन को। तो सेंडर के एलिमेंट दिए गए हैं कि एक सेंडर के अंदर क्या क्या एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, उसका सोशल सिस्टम, उसका कल्चर, ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है उसके कम्युनिकेशन का। सेकेंड बात करते हैं गाइज हम मैसेज। अब सेंडर क्या करता है, सेंडर मैसेज को भेजता है। अब वो मैसेज कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब है कि मैसेज के अंदर क्या क्या आता है गाइज। मैसेज के अंदर आपकी फीचर्स आती हैं या एलिमेंट आते हैं, कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब क्या है कि जो भी मैसेज मैं भेज रही हूँ, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, कंटेंट। कि जो भी मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है कंटेंट। उसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या है कि मैं किस गेस्चर्स, पोस्चर, साइन, सिंबल्स का यूज़ कर रही हूँ आप तक उस मैसेज को पहुंचाने के लिए। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है गाइस, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि मैंने आपको जो मैसेज भेजा है वो किस वे में भेजा है, तरीका क्या है उस मैसेज को भेजने का। उसके बाद आता है गाइस स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सी बात आप समझते होंगे कि मैंने इस मैसेज को इफेक्टिव वे में पहुंचाने के लिए मैंने किस अरेंजमेंट का यूज़ किया है। डेफिनेटली आप लोग देख रहे हो कि मैंने इस स्लाइड को समझाने के लिए आपको मैंने इसको क्या किया है, मैंने एक पिक्चराइज फॉर्म में रखा है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ताकि आपको इफेक्टिव लगे। उसके बाद क्या आता है कोड। कोड का मतलब क्या है कि जिस फॉर्म में मैसेज को भेजा जाता है। सेंडर क्या करता है, सेंडर एक फॉर्म तैयार करता है जिस फॉर्म में मैसेज को भेजते हैं, मतलब कि वो लैंग्वेज हो सकती है, वो टोन हो सकती है, वो कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस चैनल की। चैनल का मतलब क्या है, चैनल का मतलब है जिस मीडियम के थ्रू। कहने का मतलब है अब जो रिसीवर है ना, वो रिसीवर उस मैसेज को सुन के ले सकता है, देख कर ले सकता है,
टच करके भी, कहने का मतलब है अगर आप मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को रिवॉर्ड मतलब आप सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप क्या करते हो, शाबाशी दे देते हो उसको टच करके। स्मेलिंग कर सक स्मेलिंग करके हम स्मेल करके भी एक फीलिंग जो होती है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अब मैसेज को जो है रिसीव कर सकते हैं। टेस्टिंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। उसके बाद रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है मैसेज को। अब रिसीवर, अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो क्या कि जो रिसीवर है उसकी भी वही फीचर्स हैं जो किसकी हैं, सेंडर की। तो ये बर्लो SMCR मॉडल क्या कहता है, वो कहता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों की जो फीचर्स हैं वो क्या होंगी, वो सेम होंगी। सेकंड बोलता है कि ये कैसा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। यहां पर ना तो फीडबैक की बात की गई है ना ही नॉइस की बात की गई है, और यहां पर बोला गया है कि सेंडर और रिसीवर के जो फीचर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, दोनों का कंपोनेंट सेम होने चाहिए। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा पहला मॉडल। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मॉडल है मेरा लॉसवेल का, लॉसवेल मॉडल, जिसके अंदर गाइस हमें ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है लॉसवेल का। इसके अंदर क्या कहा गया है गाइस कि सबसे पहले तो ये एक लीनियर मॉडल है। कैसा मॉडल है गाइस, लीनियर मॉडल है। अगर आप नोटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ये सबसे पहले तो एक लीनियर मॉडल है क्योंकि ये वन वे मॉडल की बात करता है। सेकंड, इसको हम बोलते हैं एक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। और गाइज ये जो मॉडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर एक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग के लिए जहाँ पर यूज़ किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि मैं बोल सकती हूँ कि पब्लिक प्रोपेगेंडा के लिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हम करते हैं, या फिर जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, वो बहुत लोगों तक अपनी बात को पहुँचाते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है, हमारा लॉसवेल का लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। गाइज इस मॉडल में आप देख रहे होंगे, इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल के अंदर आपको 5 कंपोनेंट दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हु मींस एक तरीके से कौन है, सेंडर से व्हाट क्या कहेगा वो मैसेज के थ्रू बताएगा। चैनल, चैनल मतलब कि जिसके थ्रू आप मैसेज को भेजोगे वो क्या है, वो मीडियम होगा। टू हुम किसे कहेगा वो, रिसीवर को। विद व्हाट इफेक्ट, कहने का मतलब क्या है कि अब जो रिसीवर तक बात पहुंचाई गई है अब उसका इफेक्ट क्या होगा, वो एक फीडबैक के रूप में दिखाया गया है। अब गाइस क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये लीनियर मॉडल है, वन वे मॉडल है, तो ये फीडबैक का कंसेप्ट यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है। गाइस यहां पर फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि आप दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, यहां पर कम्युनिकेशन का, यहां पर कहने का मतलब क्या है आप पहले समझिए ताकि आपको समझाती हूं मैं बाद में क्या, कि सबसे पहले आपका कौन होता है, सबसे पहले सेंडर होता है जो सेंड करता है मैसेज को, ठीक है। कि मतलब जो सेंडर है, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं एक सेंडर हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि मैं क्या सोर्स या क्या एक तरीके से मैसेज आप तक पहुँचाने वाली हूँ, ठीक है, मेरा कंटेंट क्या होगा, ठीक है, मेरा मैसेज क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सबसे पहले जो सेंडर होगा ना, सेंडर क्या करता है, सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को चूज़ करेगा, जो मैसेज के लिए एक तरीके से मैसेज को डिलीवर करेगा, ठीक है। अब जो मैसेज को चूज करेगा, डिलीवर करेगा, डेफिनेटली उसका पूरा कंट्रोल होगा अपने मैसेज पर। तो यहाँ पर सबसे पहला एनालाइज हम करते हैं, कंट्रोल एनालिसिस। गाइस ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहला एनालाइज हमारा कंट्रोल एनालिसिस। सेकेंड क्या होगा, मैसेज। अब मैसेज क्या है, मैसेज का मतलब है कंटेंट, कि मेरे पास कंटेंट क्या है जो मैं भेजना चाह रही हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है, कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। थर्ड है मेरा मीडिया, जिस मीडियम के थ्रू मैं भेज रही हूँ वो मेरा क्या कहलाता है गाइज, वो मेरा कहलाता है मीडिया एनालिसिस। अब टू हुम किसे, वो मेरा क्या है, रिसीवर, इट मीन्स मेरी ऑडियंस गाइज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये वो कम्युनिकेशन मॉडल है जो कहाँ यूज़ किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है मास कम्युनिकेशन के लिए। अगर मान लीजिए मैं एक स्पीकर हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं अपनी बात जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूं, तो डेफिनेटली गाइस मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई, मैं एक स्पीकर हूं और मैंने क्या किया, मैंने बात पहुंचाई अपने बहुत सारे ऑडियंस तक। अब जो मेरी ऑडियंस है गाइस, ठीक है, अब इन ऑडियंस ने क्या किया, मेरी बात को सुनकर क्या किया, तालियां बजा दी। अब जैसे ही इन्होंने तालियां बजा दी तो ये क्या है, इफेक्ट ही तो हुए गाइस, कहने का मतलब क्या है, इन्होंने मुझे फीडबैक दे दिया। तो ये कम्युनिकेशन वो मॉडल है जो ये कहता है कि मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फीडबैक कहा जाए, वो फीडबैक एक तरीके से नॉन वर्बल भी हो सकता है, मतलब कि तालियां, ठीक है गाइस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वन वे मॉडल है जो बात करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल की। इट मींस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि एक्शन मॉडल किसे कहते हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंसेप्ट किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि कौन था, वो लॉसवेल था, जिन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कंसेप्ट दिया था। और इन्होंने कहा था, कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने बात करी किस बारे में, इन्होंने बात करी मास कम्युनिकेशन के बारे में। ये वो लीनियर मॉडल है जो बात करता है मास कम्युनिकेशन के बारे में। और हम सबसे बड़ी बात करें क्रिटिसिज्म की, तो ना तो यहाँ पर कोई फीडबैक का कंसेप्ट है और ना ही यहाँ पर कोई नॉइस का कंसेप्ट है। जबकि अगर मैं बात करूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए आपका क्या, फीडबैक। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं आपका ये गाइस है, ये है गाइस मेरा सेनन वीवर मॉडल, इसको समझाती हूँ बाद में। पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, तो हम सभी जानते हैं कि एरिस्टोटल कौन थे। एरिस्टोटल जो थे वो हमारे कौन थे, वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और एक राइटर थे, ठीक है। इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता था। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया जो बेस्ड था आपका ओरल कम्युनिकेशन पर। इन्होंने गाइज अपने इस मॉडल के अंदर दो चीज़ के बारे में बात करी थी, एक तो स्पीकर और एक बात करी थी स्पीच के अंदर, ठीक है गाइज। इसको ध्यान से समझिएगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसलिए इस मॉडल को क्या बोलते हैं, इसलिए इस मॉडल को स्पीकर या स्पीच मॉडल भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए स्पीकर मॉडल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पीकर मॉडल भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है गाइज, इसके अंदर सिंपल सा एक बात बोली गई थी क्या, कि एक स्पीकर होता है, ये क्या करता है, ये तैयार करता है अपनी स्पीच को, ठीक है। और स्पीच जो होती है वो किस पर रिलेटेड, किस पर बेस्ड होती है, आपके एक ओकेजन पर बेस्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बैठी है, आपकी ऑडियंस बैठी है जो कि क्या करेगी, जो कि इन्फ्लुएंस होगी आपकी स्पीच से, और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर उन्होंने तालियां बजाई तो वो इफेक्ट है, अगर उन्होंने तालियां नहीं बजाई तो वो एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट है आपकी स्पीच का, क्लियर गाइज। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए गाइज मैं एक लीडर हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए वोट लोगों से, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक स्पीच तैयार की अपनी, जो मेरा ओकेजन है ना, ओकेजन क्या है कि मुझे इलेक्शन लड़ने हैं। इलेक्शन क्या हो गए मेरे, इलेक्शन हो गए मेरे ओकेजन, ठीक है गाइज। मैंने क्या तैयार की, मैंने एक स्पीच तैयार की। अब जो मेरी ऑडियंस है डेफिनेटली वो क्या होनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए मेरी इस स्पीच से, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ऑडियंस होगी ना वो कैसी है, ऑडियंस पैसिव है और ये कौन है, ये एक्टिव पर्सन है, ये एक्टिव पर्सन है, जो लीडर है वो एक्टिव पर्सन है। ऑडियंस यहाँ पर क्या है, पैसिव है। ऑडियंस क्या करेगी, एक तरीके से ऑडियंस इन्फ्लुएंस होगी आपके इस स्पीच के बेस पर, और उसका इफेक्ट आपको क्या होगा, इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। गाइस इस मॉडल की खासियत ये कही गई है कि इसके अंदर तीन कंपोनेंट दिए गए थे, एक है आपका एथोस, एक है आपका लोगोस, एक है आपका पैथोस, ठीक है गाइस। क्या कहा गया कि एथोस का मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइज, कि अगर मैं एक स्पीकर हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरी जो ऑडियंस है उन पर मेरा भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जब तक मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगी तब तक वो मुझे वोट कहाँ से देंगी, ठीक है गाइज। क्रेडिबल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब भरोसामंद होना बहुत ज़रूरी है, मेरी बातों पर उन्हें भरोसा होना चाहिए। सेकेंड बोला है गाइज लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है, लॉजिक, कि मैं उनसे जो बात करूँ ना वो बात लॉजिकल होनी चाहिए, वो बात अधाधुंध नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मैं चांद तारे तोड़ने की बात उनसे नहीं करूँगी। वो बात कैसी होनी चाहिए, लॉजिकल बेस्ड बात होनी चाहिए। मेरी जो स्पीच हो वो उसमें लॉजिकल फैक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट बोला गया है गाइस पैथोस। पैथोस का मतलब क्या है कि कनेक्शन, मेरा इस ऑडियंस के साथ क्या होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, मेरा प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरा उनके साथ कनेक्शन। कि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैं किसी गाँव के अंदर गई, ठीक है, मैंने वहाँ पर वोट लेने हैं, मैं किसी गांव के अंदर गई, मैंने क्या कहा, मैंने वहाँ पर जो है बात करनी स्टार्ट कर दी, किसान है वहाँ पर बहुत सारे, तो मैंने उनसे एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, तो डेफिनेटली वो मेरे बात से इन्फ्लुएंस होंगे और मुझे वोट देंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात इंफ्रास्ट्रक्चर की ले आऊँ या कोई और बात वहाँ पर क्रिएट कर दूँ, तो क्या ये मुझे वोट देंगे, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो मेरे साथ क्या होने चाहिए, मेरे साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो गाइज ये था आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसने सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम स्पीकर मॉडल भी कहते हैं, जिसने लीनियर या फिर एक तरीके से मास कम्युनिकेशन पर फोकस किया, जो वन वे मॉडल की बात करता है, जिसने ना तो फीडबैक का कंसेप्ट दिया और ना ही नॉइस का कोई कंसेप्ट दिया। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा ये मॉडल। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज लास्ट जो मेरा है, कौन सा, शेनन एंड वीवर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है गाइज, ध्यान से समझिएगा इस मॉडल को। क्या कहता है शेनन वीवर मॉडल गाइज, यहां पर शेनन और वीवर दो पर्सन है, एक है शेनन, एक है आपका वीवर, ठीक है गाइस। शेनन जो थे वो आपके मैथमेटिशियन थे और वीवर जो थे वो आपके साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक मॉडल दिया जिसको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मॉडल किसने दिया, तो याद रहेगा शेनन वीवर ने दिया। दूसरा ये कैसा मॉडल है, ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तीसरा ये कैसा कम्युनिकेशन मॉडल है, ये वो कम्युनिकेशन मॉडल है जो बेस्ड है एक कंसेप्ट पर, और जो कंसेप्ट है आपका नॉइस का। इसीलिए इस कम्युनिकेशन मॉडल को मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल किस कम्युनिकेशन को कहा गया, किस मॉडल को कहा गया, वो है आपका शेनन वीवर मॉडल, क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि इस मॉडल के अंदर ऐसा क्या था। देखिए गाइस कि इसको मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल दिया बोला गया। देखिए गाइस सबसे पहला आप सभी जानते हैं कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स, इट मीन्स यहाँ पर सेंडर की बात हो रही है। सेंडर क्या करता है, सेंडर मैसेज को क्या करता है,
मैसेज को भेजता है, डिकोड करता है एक तरह, सॉरी एनकोड करता है मैसेज को, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट किसके थ्रू करेगा, किसी चैनल के थ्रू। अब जब वो किसी चैनल के थ्रू किसी मैसेज को ट्रांसमिट करता है तो डेफिनेटली सिग्नल्स के थ्रू करेगा। अब वो जो सिग्नल्स आएंगे उन सिग्नल्स के थ्रू, अब यहाँ पर कौन होगा गाइज, यहाँ पर होगा एक रिसीवर जो आपके इस मैसेज को लेगा। सिग्नल्स के थ्रू ही रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है मैसेज को। अब जब ये रिसीवर रिसीव कर रहा है मैसेज को, इट मीन्स इसने डिकोड कर लिया इस मैसेज को, और डिकोड करने के बाद ये पहुँच गया अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, इट मीन्स जहाँ इसे जाना था, जहाँ हमें मैसेज को भेजना था, हमने वहाँ मैसेज को भेज दिया। अब ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा गाइज, यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन सोर्स को मिलेगा फीडबैक। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है क्या, कि यहाँ पर आपको किसका कंसेप्ट मिला, फीडबैक का कंसेप्ट मिला। सेकेंड, अब जब गाइज यहाँ पर मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा किसी चैनल के थ्रू, क्योंकि ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मॉडल है, तो डेफिनेटली यहाँ सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को पहुँचाया जा रहा है, तो कोई ना कोई फिजिकल बैरियर तो यहाँ पर क्रिएट डेफिनेटली होगी होगी। तो जहाँ इन्होंने नॉइस का कंसेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वहाँ पर सिग्नल्स के थ्रू मैसेज को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर नॉइस का कंसेप्ट भी दिया गया। तो सेकंड क्या नोट डाउन करना है कि यहाँ पर नॉइस का कंसेप्ट आपको मिला है। तो दो ही, और अगर मैं बात करूँ जितने भी मॉडल थे, किसी ने फीडबैक की बात की होगी लेकिन किसी ने भी नॉइस के कंसेप्ट की बात नहीं की थी। अगर एक कम्युनिकेशन की बात की जाए तो एक कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब उसके अंदर नॉइस और फीडबैक का कंसेप्ट जो है वो दिया गया हो। तो शैनन वीवर ने इस पूरे के पूरे मॉडल को एक तरीके से पूरा किया था, इसीलिए इस मॉडल को इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल का नाम, सॉरी इस मॉडल को क्या बोला गया था, मॉडल ऑफ ऑल, जो है मदर ऑफ ऑल मॉडल बोला गया था। ठीक है गाइज, आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये कैसा मॉडल था, टेलीफोनिक मॉडल था और टू वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, मतलब कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, सेंडर मैसेज भेज रहा है रिसीवर तक, और रिसीवर की लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद फीडबैक मिल रहा है, और नॉइज का कंसेप्ट भी आपको दिया गया है। ये वो कम्युनिकेशन मॉडल है गाइज जो मास कम्युनिकेशन के अंदर यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए शैनन वीवर मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा मॉडल जो वो माना जाता है। आई होप गाइज आपको ये सारे के सारे मॉडल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको ये मॉडल जो है बहुत अच्छी तरह से कराऊं। सो थैंक यू सो मच गाइज़।